now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. Hi, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ. प्रतीक, मैं आपको बस इसलिए कॉल किया क्योंकि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको चीट कर रहा है. आपको ये बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया. कौन प्रतीक? मतलब मैं आपको... नहीं जानती आप. मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है ये आप जी. मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है दैट आई नो. बहुत अच्छा. आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत सीधा और अच्छा समझती है लेकिन ऐसा है नहीं मैम, ठीक है? आपका बॉयफ्रेंड एक नंबर का फ्लर्ट और चीटर है. वो आपको दिन रात चीट कर रहा है. एंड होल्ड ऑन मिस्टर प्रतीक, मैं फोन रखूं प्लीज? आप अपना बकवास बंद करें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने का. मैम एक मिनट, अगर आप विश्वास नहीं कर रही है मेरी बातों का तो अगर मैं आपके बॉयफ्रेंड की ऑडियो क्लिपिंग अगर आपको सुना दूं तो उसके बाद तो आपको विश्वास होगा. नॉनसेंस, मतलब क्या है ये? मैम एक मिनट जरा सा रुकिए, ठीक है? आपके बॉयफ्रेंड की बातचीत मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में हुई और मैंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे गर्लफ्रेंड के फोन से निकाल ली. अच्छा, अब तो नया ट्विस्ट आ गया. आपकी गर्लफ्रेंड भी है इसमें? यस मैम, ही इज चीटिंग ऑन यू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में. ओके, आप प्रूफ करने वाले थे ना? हाँ जी. चलिए सुनिए. हेलो परमिता. बॉय बॉय. सोना की कुछ चीज है सैटरडे? लेट्स मीट अप, लेट्स मीट अप. इन सैटरडे मीट कोगे? दैट टूर ऑफिस অনেক দূরে, ঠিক আছে? আমি সল্ট লেক থেকে অত দূরে যেতে পারবো না. ইট লেট্স মিট আপ. হ্যালো, আপ হ্যায় ওয়াহ পে? হ্যাঁ মে হু. আপ এক সেকেন্ড রুকিয়ে মুঝে শুনে লিজিয়ে প্লিজ. কোনো মানে মিডল কোনো পয়েন্ট হে. ইটস বেটার. একটা জিনিস আছে যেটা আমার বাইতে দিস উইকেন্ড কেউ নেই, বুঝলি তো? তাহলে লেট পার্টি দেন ওন. ওটাও বেশি কনভেনিয়েন্স হবে. আমি তোকে পিকআপ করে নেব ওখানে দমদম থেকে, করে নিয়ে বাড়ি চলে যাব. লেট্স লেট্স হ্যাভ সাম ক্রেজি পার্টি ম্যান. আপ শুন রই হ্যায় না? হ্যাঁ মে শুন রই হু. আপ ये लेडीज वॉइस आपकी गर्लफ्रेंड की है? तो जी ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है जो मुझे चीट कर रही है. ओके द रेड वन इज ऑन मी. ओके सारे लोग आ गए, ठीक है? हेलो परमिता बोल. ऑन नोवा विनीशा, प्लीज ट्राई एंड वेयर दैट रेड ड्रेस ना जो आगे दिन पड़े थी. ओके ओके देन सी यू एट सैटरडे, ठीक है? अब तो आपको विश्वास हो रहा है ना धीरे धीरे? वेल क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या. आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको मालूम चल रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है, तो आप क्या उनसे रिवेंज लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक रिवेंज फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड? वेल देखिए मिस्टर प्रतीक, आप जो भी है, थैंक यू वेरी मच. आपने इतनी बड़ी हेल्प कर दी मेरी. नहीं नहीं थैंक यू मत बोलिए. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, खुद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है. नहीं ठीक है, समझ में आया मुझे. अब ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं प्लीज अपने पर्सनल तरीके से इसको हैंडल कर लूंगी. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको और कुछ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप रिवेंज लेना चाहेंगे, बदला तो लेना चाहेंगे ना आप अपने बॉयफ्रेंड से, आपको इस तरह से चीट करने के लिए? मैंने कहा ना कि मैं बदला जो भी है व्हाटएवर, मैं वो अपने लेवल पे मैं वो संभालूंगी. ठीक है मैम, एक काम करते हैं. देखिए शनिवार के दिन आपका बॉयफ्रेंड उनसे मिल रहा है रात को, राइट? और आपके बॉयफ्रेंड के घर पे कोई नहीं है. मेरे घर पे भी ऐसे कोई नहीं है शनिवार को. सो व्हाई डोंट वी ऑल्सो मीट एट आवर प्लेस. हम दोनों मेरे घर पे मिलेंगे. And we'll click pictures and we'll send it to your boyfriend and I'll send it to my girlfriend. यार आप पागल हो गए हो क्या? नहीं मतलब है कि नहीं? नहीं नहीं मतलब आप रिवेंज. आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है इसीलिए आप हर लड़की को वैसे ही समझते हो क्या? मुझे गलत समझ रही है. अब वेल देखिए, आपने बहुत हेल्प कर ली मेरी. अब जो होने वाला है ना वो मैं खुद संभालूंगी. थैंक यू वेरी मच. मैं वो सब कह ही नहीं रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि शनिवार को मिलते हैं हम दोनों एक साथ, मेरा घर भी खाली है, वी कैन यू नो चिल टुगेदर. एंड खाली घर पर मैं पुलिस भेजू क्या? एक मिनट. अच्छा एक काम करते हैं, आपके बॉयफ्रेंड को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या? मैं उनको अभी फोन पे लेता हूँ, ठीक है? एक बार बात करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी बची रहेगी, आपका बॉयफ्रेंड भी बचा. ठीक है चलो, आज सब खत्म ही कर रहे थे. चलो फोन लगाओ उसको. हेलो. हाँ हेलो. हाँ हेलो. हाँ कि এখন গলাটাও চিনতে পারছো না নাকি? আমি সোনিয়া বলছি, সোনিয়া এস ও এন আই ওয়াই এ. ও হ্যাঁ 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 বলো বলো. তুমি কোথায় আছো এখন? আমি এখন অফিসেই আছি. আর শনিবারে তুমি কোথায় থাকবে? মানে আমি অফিস আছে, হাফ ডে করে তবে বাড়ি ফিরবো. বাড়ি ফিরবে না? তো শনিবারে রাতে কাকু কাকিমা কোথায় থাকছে? ওয়াই আস্কিং দিস কোয়েশ্চন ইয়ার. আমি যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তর তো পাবো কি? কোথায় থাকছে তোমার পেরেন্টস? অবভিয়াসলি না, মা বোধ একটু বেরোবে আর কি. বাট সেটা ওয়াই, বাট ওয়াই কেন এসব কি হচ্ছে কেন? ওয়াই আর ইউ আস্কিং দিস কোয়েশ্চন? বোকা কেন জিজ্ঞেস করছিস? জানি তো রে বল. আমাকে বল তোকে এত কথা. আচ্ছা একটা কথা বলবো, এই কথাগুলো কে বলেছে তোকে? এগুলো এত ফালতু কথাগুলো কে তোকে বলেছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো. আপ বতা দিয়া যায় আপকি গার্লফ্রেন্ড কো? প্লিজ প্লিজ হ্যালো. আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন অল দিস গালা গালি. হ্যালো ম্যাডাম. ইয়েস
मैडम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और वो रिकॉर्डिंग हमने करवाई थी आपके बॉयफ्रेंड की किसी और लड़की के साथ में, हमारी ऑफिस की एक लड़की के साथ में, और आपको सुनाया कि आपका बॉयफ्रेंड जो आपको चीट कर रहा है एंड यू एक्चुअली बिलीव्ड ऑन इट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, क्या मैं विशाल से बात कर रहा हूँ? हाँ जी विशाल हो रहा है। अजी विशाल, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम व्हाट्सएप हैकर्स इंडिया ग्रुप एंड हम लोगों का व्हाट्सएप हैक करते हैं। आप बोल कहाँ से रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है व्हाट्सएप हैकर्स इंडिया। बहुत प्राइवेटली हम फंक्शन कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वी हैक पीपल्स व्हाट्सएप। ऐसा है, बहुत ऐसा है, वो व्हाट्सएप हैक कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना है। जिस नंबर का व्हाट्सएप हैक करवाना चाहते सर, वो नंबर एक बार हमें बता दीजिए। 7857777। कैन वी गिव यू कॉल बैक आफ्टर 5 मिनट्स? या डेफिनेटली। हेलो सर, ये जो नंबर है वो रश्मि के नाम से रजिस्टर्ड है, राइट सर? राइट। एंड रश्मि जी के मोबाइल पे आपका नाम सेव्ड है एज सनम, राइट? किसी रोहित नाम के लड़के से भी इनकी बहुत बातचीत हुई है। क्या बात कर रहे हो? yes. ये क्या मतलब डे टाइम में हुई है, नाइट में हुई है? सर नाइट टाइम पे नहीं हुई है सर, 9-10 बजे तक ही उनकी कॉन्वर्सेशन चली उनके साथ में, फिर अगले दिन वापस सुबह 11-12 बजे से वापस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई उनके साथ में। क्या बता सकते हो क्या ये कॉन्वर्सेशन हुई है? दिस कॉन्वर्सेशन इज प्रीटी प्राइवेट, जो हम इस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। इफ यू सब्सक्राइब टू आवर सर्विसेज देन वी कैन डेफिनेटली टेल यू कि एग्जैक्टली क्या क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है। 1000 rupees आर द मिनिमम चार्जेस। ओके, हम आपको अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में ले जाएंगे। सो लेडी, जैसे जैसे आपको जो सवाल पूछे आप उन सबका जवाब फटाफट देती जाइएगा। एवरीथिंग इज सिक्योर्ड हियर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके फाइन, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में आपका फोन में ट्रांसफर करता हूँ। Welcome to WhatsApp Hackers India. Please enter your 16-digit debit or credit card number. Please enter your 4-digit PIN. Congratulations, your transaction is successful. Your call is now being transferred to the concerned department. हेलो, जिस लड़के से उनकी बातचीत हो रही थी उनको इन्होंने व्हाट्सएप किया है 32। तूने ये मैसेज किया है? उसके बाद में लड़के ने लिखा है श्योर, इधर से आपकी गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई किया यस यस आई एम वेरी श्योर। मेरे को मैसेज करती है कि मैं बिजी हूँ ये वो, और खाली ये बात करती है ये। उसके बाद में उन्होंने लिखा है 36। लड़के ने लिखा है कि पक्का ना? लड़की ने कहा हाँ हाँ, तुमने ही तो ऐसे एक बार मापा था। और बता भाई क्या लिखा है इसने? और सर उसने आपकी गर्लफ्रेंड ने उसमें लिखा है कि नेट वाली बेटर रहेगी या फिर सैटिन वाली, और कलर कौन सा सूट करेगा मेरे को, रेड या फिर मजेंटा ब्लैक। साली ऐसा लिखती है, मैं छोड़ूंगा ना, मैं तो साली को खत्म कर दूंगा। साली मेरी जिंदगी खराब कर दी साली ने। और जितनी क्या लिखा है? उसने लिखा है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए। क्या लिखा है साली ने बताओ? और कहीं से मिलने पे लिखा है? कहीं मिलना है या कुछ लिखा है? मिलने का लिखा है कि मैं आ जाऊँ, तो लड़के ने कहा कि हाँ पुराने वाले एड्रेस पर मत आना, नया एड्रेस है वहाँ पर। मुझे कसम से मुझे ये एड्रेस बता दे भाई, मैं साली के छोड़ूंगा नहीं। मुझे मैं 1000 की 2000 दे दूंगा अपने क्रेडिट कार्ड से, बट मुझे बता दे साली का एड्रेस बता दे प्लीज। 60/1 रोड, नीचे लिखा हुआ पप्पू टेलर। भाई क्या लिखा हुआ है एड्रेस? पप्पू टेलर। साले ये टेलर का नंबर है? टेलर से ही बातचीत हो रही थी कि नेट अच्छा लगेगा या कॉटन, लंबाई कितनी होगी मतलब लेंथ एंड कमर। टेलर नहीं तो कमर मापी होगी सर, और क्या सर? अरे ये तू बोल कौन रहा है? ये तू कौन बोल रहा है? 1000 रुपए काट लिया तूने, 1000 रुपए काट लिया, और तूने बोला था प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। हाँ तो ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। एक मिनट सर, आपके फोन पर अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो दैट इज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। आप किसी से बात करते हो दैट इज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तू बोला कि साली मैं, तू तो ऐसा बोल रहा है कि लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनों के साथ घूम रही है। तू है कौन है फॉर की कंपनी में? पुलिस पर कंप्लेंट करो साले। वो तो आपने समझा। तू है कहाँ पे? मैं रेड एफएम की स्टूडियोज में हूँ और मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। ओह माय गॉड, अरे और ओ भाई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो
हेलो पंकज भैया। जी पंकज बोल रहा हूँ, बताइए। पंकज भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक, कौन बात कर रहे हैं? अरे पंकज भैया आप हमको नहीं पहचानेंगे, कॉलेज वॉलेज नहीं आ रहे हैं आप आजकल, क्या हो गया? कॉलेज नहीं भाई, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, बहुत टाइम हो गया कॉलेज छोड़े हुए। अरे क्या भैया ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे मत बोलिए, कॉलेज का चक्कर तो काटते हैं आप अभी भी, हम देखे आपको। अरे नहीं भाई मैं कॉलेज नहीं, अब मैं क्यों आऊंगा कॉलेज, क्या करूंगा कॉलेज? आप जो अपनी बहन को छोड़ने के लिए आते ना कॉलेज में बाइक पर, हाँ तो वही हम आपको देखे नहीं है 4 दिन से। क्या कौन बात कर रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं। भैया मैं वही गली में रहता हूँ, आज वैसे घुसते हैं ना बाइक लेकर के, तो मतलब हम आपकी बहन को थोड़ा देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आदमी हो गया यार, तुम फोन करके मुझे ये बोल रहे हो क्या? तो भैया दिल की बात हम आपसे साफ साफ कर रहे हैं। तू रुक अपना नंबर दे मुझे, तू कौन बोल रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, मैं अभी आता हूँ पुलिस के साथ, तेरी जो आशिकी निकाल रहा है तू वहाँ बैठ के, बहन तू मुझे फोन करके। भैया देखिए ऐसा मत कीजिएगा, एक मिनट भैया देखिए, हम तो एकदम साफ मन से खाली आपको ये बोले, चिंता हो रहा था हमको। ये साफ मन है तेरा, चोरा कहीं का? आपकी बहन जो ना बहुत अच्छी लगती है, हमारा खाना पीना सब बाहर। ओ बहन बात सुन मेरी, तुझसे पूछूं तेरी माँ बहन को तू लेके नहीं आ रहा, मुझे देखना है उसको। आस्था को क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा भैया, बहुत चिंता हो रहा है। सुन बे तेरे ऐसे आशिक ना टुच्चे ये बहुत देखे हैं मैंने, अब फोन रख दे तू, देखिए वो हाल कर दूंगा ना, तेरे घर वाले भी नहीं पहचानेंगे तुझे। हेलो बेटा, कौन बात कर रहे हैं? बेटा हम ये राजेश की मम्मी बोल रहे हैं। तुम का बोल दियो हमरे बेटवा से, देखो घड़ी घड़ी रोए जा रहा है, खनवा नहीं खा रहा है तू। आप उसी की माँ बोल रहे हैं कि छिछोरा का फोन आया था अभी मेरे पास? अरे छिछोरा नहीं है बिटवा, छोरा है हमारा। अरे तुम्हारी बहनिया थोड़ा देख लेगा, खुश हो लेगा। अरे मेरी बात सुन लो, अब आपका पूरा खानदान पूरे परिवार में प्रॉब्लम है क्या? एक तो वो छिछोरा आपने जो पाल रखा है घर में सांड अपने, वो फोन करके मुझे बोल रहा है अपनी बहन को लेके नहीं आ रहे, आपने ये सब सिखाया हुआ है उसको? अरे हम थोड़ी सिखाए हैं, अब लड़का हमारा जवान हुआ, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया। मैं आपको बोलूं बेटी लेके नहीं आ रही, मुझे देख ली है, आपको अच्छा लगेगा? अगर लड़का अच्छा होगा तो हमको थोड़ी ऑब्जेक्शन होगा, अभी देखो हमारे बॉडी बिल्डर है, अपना जिम खोला है। आंटी तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ उस वजह से। ए बुड़बक सुन, अरे हमारे बिटवा तुम्हारी बिटिया देख लेगा क्या हो जाएगा? ओ सुन ले आंटी, बहुत हो गई तेरी लिहाज लिहाज नहीं कर रहा हूँ अब मैं, या तो सालों में तुम्हें अंदर करवा दूंगा पुलिस से, या तुम्हें आगे मार दूंगा किसी को गोली वहाँ पर। कोई बात नहीं, अंदर की बात है तो एक काम करो, एक दिन कॉलेज के अंदर ना जाके हमारे घर के अंदर आ जाओ, बहुत बढ़िया ठेकुआ खिलाएंगे, लिट्टी चोखा खिलाएंगे, दाल भी बना देंगे। नहीं नहीं सुनो तुम मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं दाल नहीं खाओगे, बता दो क्या बनाए वो बना के खिला। मेरी बात सुनो आंटी जी, तुम मेरी बात सुनो, अब तुम फोन तो ना मेरे पास फोन करता आ रही बात तुम्हारी समझ में। हेलो पंकज बोल रहे ना? जी पंकज बोल रहा हूँ जी। आपकी बहन कहाँ है पिछले 3-4 दिनों से? अरे तू कौन है अब? एक मिनट, गाली किसको दे रहे हैं आप? तुझे दे रहा हूँ साले। आपको मालूम है फोन किधर से आया आपके पास में? अगर तू उसका ही कोई भाई भाई होगा। पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन से क्यों? आपकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, कहाँ छुपा के रखा अपनी बहन को? सर सर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, वो कोई लापता वापता कुछ नहीं है, वो बीमार है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मौसम मौसम चेंज हुआ है, घर पे है, वो रेस्ट वेस्ट कर रही है, पूरे परिवार के साथ है, बस इसी वजह से वो कॉलेज नहीं जा रही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हाँ तो भैया यही बात हमको पहले बता दिया होता, इतना नौटंकी ड्रामा नहीं करना पड़ता ना। पुलिस स्टेशन से काम बोल रहा तू? कोई पुलिस स्टेशन से नहीं बोल रहे थे, हम ही बोल रहे थे, ऐसे नौटंकी कर रहे थे आपके साथ में। तेरे मुंह से डालूंगा डंडा, बाहर निकालूंगा। नहीं भैया बहुत दर्द होगा ये सब में। ये सब ना मेरे साथ नाटक मत कर, अब तू क्या, तू अपना नाम बता दे और एड्रेस बता दे वही। अजमत सारे वही तोड़ दूंगा तेरी बत्ती सी। हेलो हेलो जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आप का? अरे यार प्रवीण मैं ऐसे तोड़ी यार, आप सही में ऐसा हो रहा है यार, अरे यार आपकी बहन का चक्कर नहीं है किसी के साथ में, आपकी बहन ही 3-4 दिन से कॉलेज नहीं गई, उसने बोला भैया को मुर्गा बना दीजिए। घर पे फोन करके पूछने वाला हूँ घर पे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो हेलो, सुबोध जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। हाँ सुबोध जी, मैं पिंटू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से बोल रहा था, आपने कल इधर में फोन दिया था ना रिपेयरिंग करने के लिए। अच्छा, हाँ, पिंटू बोलो। हाँ तो सुबोध जी, अभी ना थोड़ी देर पहले एक फोन आया था हमारे पास में, लेडी का नाम था सुनंदा बोल रही थी, वो फोन करके बोल रही थी कि हम आ रहे हैं आधे घंटे में फोन ले जाएंगे। सुनो 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 सुनो, वो मेरी बीवी है सुनंदा, तो भाभी को फोन दे देना है क्या और उनसे रुपया ले लेंगे? अरे नहीं नहीं, उसको फोन दे देना भाई, वो फोन मुझे ही देना, मैं आऊंगा लेने के लिए। तो भाभी तो फोन करके बोली कि भाभी आकर के ले जाएंगे अभी थोड़ा देर में। अरे
इंटू नहीं देना है फोन, तुम कुछ बोल देना, बोलना भी नहीं रिपेयर हुआ, बाद में देंगे ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे भाभी से छुपा क्या रहे, मतलब फोन में ऐसा है क्या भैया? भाभी से छुपाने का नहीं भाई, मेरा फोन है, हमने दिया हुआ है तो तुम हमें दोगे ना? नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बीवी तो आपकी है ना, वो बोल रही है कि हम आकर के कलेक्ट करके ले जाए। ये तुम मुझे मत सिखाओ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने फोन दिया ना, फोन आपने दिया भैया। हाँ 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 तो मुझे देना फोन। अब भाभी से ये सब छुपा कह रहे, मतलब क्या है आपका फोन? तुम्हें क्या मतलब है भाई, मेरा फोन है, मैंने दिया ना, इतना ही मतलब रखो ना। ठीक है भैया कोई बात नहीं, फोन तो हमारे पास में, हम देख लेंगे भैया। ठीक है ठीक है। हेलो सुबोध भैया, पिंटू आपके चलते मार खा लिए भैया। यार कौन मारा क्या? सुनंदा साहब की बीवी आई थी थोड़ा देर पहले, हमको बोली सुबोध का फोन दो, हम बोले फोन तो भाभी रिपेयरिंग हुआ नहीं है। तू फोन दे दिया क्या? हम क्या करते, हमको दो थप्पड़ मार दी, पिताजी को धक्का दे दी, पिताजी नाला में गिर गए। फोन दिया तुझे, तुझे मना किया था कि फोन नहीं देना, तो हम क्या करते भैया, मार पीट करके ले गई है। अरे यार तो तूने फोन क्यों दिया? अरे तो मार पीट करते हम कैसे संभालते, पिताजी को फेंक दिया नाला में, टांग टूट गया पिताजी का, वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे। तू और तेरा बाप दोनों काले, अभी पहुँचता हूँ तेरे यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ अभी तेरे पास आऊंगा साले, मैं तेरे देख क्या करता हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, मैंने फोन दिया, तूने कहा था फोन दे दिया मेरा, हम क्या करते बताइए। तू और तेरा बाप दोनों काले, पहुँचता हूँ तेरे यहाँ पे, आप पहुँच जाइए, हम क्या करेंगे, आपकी बीवी आके मार के ले गई है, पैसा भी नहीं दिए। तूने जो किया है ना वो तो सोच ही नहीं सकता, तूने क्या किया, मैं अभी पहुँचता हूँ, उसके बाद में तेरे से बात करता हूँ। आइए हम भी सबसे बात करेंगे, मार के ले गई सांड जैसी बीवी आपकी, दिखती शक्ल से काय लेकिन मार के ले गई। फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा तेरे साथ। आ जाओ आप भी दो थप्पड़ मार के निकल लो, तबला ऐसा बजा दिए, पैसा भी नहीं दिए मेरा फोन का। हेलो भैया पिंटू, तूने जो कर रखा है ना मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तूने, रात तक की नौबत करा दी तूने। अरे सुबोध भैया देख, हम जो है भाभी को जब फोन दिए ना तो फॉर्मेट मार के दिए थे, सारा डेटा हमारे पास में भैया, पीछे लड़के देख रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, बड़ी मस्ती कर रहे हैं वो। अब आप ये अगर डेटा हमसे लेंगे ना सुबोध जी, तो आप चुपचाप हमारे दुकान पे आ जाइए, 4,000 रुपया लेकर के हम आपको पूरा जो डेटा है वो आपको। सुबोध भैया कंप्लेन करेंगे पुलिस में, कर दीजिए। हाँ मोन्टू रंजीत एक काम कर रहा है, सुनंदा भाभी का नंबर है व्हाट्सएप पे भेज दे, सारा सारा ऑडियो सारा वीडियो सारा डॉक्यूमेंट। अरे बात सुन इनकी बात, पैसा नहीं दे रहा कंजू साहब की, 4,000 रुपया बोलिए। अरे क्या कर रहे यार, तू पागल है क्या, मेरी बात तो सुन पहले। बताइए तू अपने पास रख, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ तेरे से। मर्द की जबान, 4,000 रुपए मैं आता हूँ, मैं करूँगा, मैं दे दूंगा ठीक है भाई। सुबोध जी, अरे क्या यार क्या, सुबोध जी आपकी हाथ में तो आ गई ना भाई, भाई किसी को मैं आ रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा पैसे। हाँ तो ठीक है, मैं तो मांग भी नहीं रहा हूँ ना, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि आप आइए, ऐसे ही आइए मिलकर के चिकन पकौड़े खाएंगे, चिकन पकौड़े खाएंगे। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम सर आपका बनाया जा रहा था रेड मुर्गा। अरे यार तू पसीने निकल रहे मेरे शरीर से, मेरा तो हाथ पांव कांप रहा था पूरा। आपके सामने दोस्त गया था ना आपका विकास। अच्छा विकास, देख लो भाई देख लो, मैं मेरी पता है मेरी हाथ क्या हुई थी भाई, हाथ पांव कांप रहे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिरने वाला हूँ बस। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो, हाँ जी बेटा जी कैसे हो आप? कौन बात कर रहा है? पहचाना बेटा जी, पहचाने नहीं मेरे को बेटा जी? नहीं यार, हर वीक में मुलाकात होती है आपसे। नाम बता देंगे आसानी हो जाएगी थोड़ी। बेटा मेरा नाम मंडे है बेटा, मंडे। मंडे हर बार मैं हर वीक में आता हूँ, जैसे आज आया हूँ तो मंडे बोल रहा हूँ बेटा। बोल रहे हो यार मंडे के, तुम क्यों बना रहे हो? मंडे बोल रहा हूँ बेटा, मंडे। कैसे हो बेटा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हो? यार अंकल देखो, नहाए धोए हो नहीं, ऐसे ही निकल लियो सर्दी बोल करके। वो सब ठीक है, वो मैं देख लूंगा ना, अपने नाम बता दो या तो फिर। मैं बेटा बोला तो बेटा मंडे बोल रहा हूँ, वही मंडे जिसको तुमने बड़ी गालियां दी है। अरे यार अंकल मत करो, देखो सुबह सुबह आज वैसे मंडे है, वीकेंड के बाद ऑफिस जा रहे हैं, ऊपर से तुम सुबह सुबह फोन कर रहे हो, बोल रहा हूँ मंडे बोल रहा हूँ, मंडे बोल रहा हूँ। हाँ तो मंडे बोल रहा हूँ तो मंडे ही बोलूंगा ना। सुन 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 सुन, मुझसे क्या काम है, ऑफिस जा रहे हो आज मंडे के दिन, या आज फिर से गालियां निकालोगे? बॉस है मेरा, कलीग है, कौन है, मंडे है। इतनी गालियां देते हो मेरे को, इतना याद करते हो मंडे, हमेशा बोलते हो मंडे मी मंडे वाला, मंडे फिर से आ गया। वो तो है ही तू, वो तो है ही तू। हाँ तो इतनी गालियां तो याद कर लिया तुमको। तू मंडे है ना, तू मंडे बोल रहा है ना अपने आप को, तू सुन ले, तू है तू है ठीक है, आधी बात तेरी समझ में, तेरी वजह सबको उठना पड़ता, मैं भी तेरी वजह से भुगत रहा हूँ ठीक है। अब फोन मत करियो मुझे, जो भी है तू किसी और से मजाक कर।
हेलो, आपको तमीज है कि नहीं है? कौन बात कर रही है? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ जिसने थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था। किसकी मम्मी? मेरे पास किसी बच्चे का फोन नहीं आया। मंडे का फोन आया था कि नहीं आया था? आप कौन बात कर रही है? वो कौन है? संडे। तो अपने पास रखो ना फिर अपने मंडे को। फोन देखेंगे छोड़ दिया सड़कों पे, दूसरों को फोन कर रहा है वो। दो चार बातें करने के लिए उसने तुमको फोन क्या कर लिया? तुमने उसको खरी खोटी? अरे मैडम देखो देखो आज अरे पीछे तो अपनी कौन सी हो गया? अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे अरे सुन लो, मंडे संडे जो भी हो यार मुझे मत तंग करो। मेरा मंडे आज मुझे वैसी ऑफिस जाना, आज प्रेजेंटेशन भी है। प्लीज यार किसी और को आप जो भी। अरे मैंने कुछ, अरे सुनिए तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम जी। आपका नाम जो भी है पता नहीं क्या नाम है आप। संडे? संडे किसका नाम होता होगा? मंडे संडे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? ये मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा यार मेरे पास कोई ऐसा फोन आया तो। हेलो। हेलो बेटा कैसे हो तुम? कौन बात कर रहे हैं? फ्राइडे बोल रहा हूँ बेटा। क्या लगा रखा है यार ये संडे मंडे फ्राइडे थर्सडे? ये सुनो अपने संडे मंडे की रिश्तेदारी है ना सब अपने से रखो मुझसे। बेटा देखो ऐसे किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, भले मंडे हो चाहे संडे हो। तुम लोगों का काम है कैलेंडर में लेना, कैलेंडर में लाओ। जबरदस्ती ना चाटो मत किसी को मंडे को फोन करके। यार ये बात समझ में? संडे बोल रहे हैं, मंडे बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आगे। एक तो वैसी मंडे साला ऑफिस जाने के लिए सब खड़े हो रहे हैं, तुम फोन करके बोल रहे हो संडे? रखा है लोगों का। मंडे का फोन आ गया, संडे का फोन आ गया, फ्राइडे का, बेटा सैटरडे का आ गया बीच में। फिर कौन बेटा चला ऊंचा बोला हमको ऊंचा सुनाई देता है? अरे सैटरडे का आ गया बुड्ढे, सैटरडे वो बेटा विदेश गया हुआ अभी घूमने के लिए। उसको भी नंबर दे दो ना मेरा, वो भी फोन करके मेरी मान लेगा। नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई है थर्सडे, उसका पूरा परिवार है वेडनेसडे ट्यूसडे, मैं उनको बोलूंगा बेटा कॉल करने के लिए तुमको। सुनो ओए बुड्ढे अंकल सुनो, जो भी हो तुम संडे मंडे की तुम्हारी ये जो क्रियाक्रम है ना कहीं और करो जाके, मेरे पास ना टाइम नहीं है मुझे फालतू में चार्ज। बेटा देखो ऐसा है कि तुमने संडे को भी गाली दी, मेरी बात भी सुन लो। अब खुद ही फोन करके करे जा रहे हो संडे मंडे का, कोई फोन करता होगा संडे होता हो किसी का नाम? गगन जी। हाँ। जी हम आरजी प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से। और बेटा हम ही फ्राइडे और हम ही मंडे। प्रवीण भाई यार मंडे में यार ये समस्या करो यार, फ्राइडे में कल्चर करो भाई। भाई मंडे को बड़ी गालियां देते हो तुम्हारी ऑफिस वाले ने बताया। मुझे लगा पता नहीं, मुझे लगा कि ऑफिस से कोई कुछ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो। मूवी देखने के लिए आए थे ना इधर में हमारे हॉल में? मूवी देखने आए थे क्यों? कौन जी, आपकी सीट नंबर E21 एंड E23 थी राइट? हाँ। ये आप क्या करके गए इधर में? भाई थिएटर पे पिक्चर देखने आते हैं और क्या करने आते हैं? पिक्चर देखने आए थे आप? आर यू श्योर अबाउट इट? और क्या, तूने क्या देख लिया वहाँ पे ऐसा? आपने और क्या किया है वहाँ पर पहले उस पे आप जोर डाले। पिक्चर देखी, ऐसे काम आप घर में क्या करो ना, सब चीज की अपनी जगह होती है। क्यों आए थे आप इधर में ये सब करने के लिए? ओ दादा सुन, तू के साले कॉर्नर की सीट घुमा के बैठा था। कॉर्नर की सीट आपने ली क्यों थी मेरे ख्याल से? इसीलिए ली थी। ऐसे काम अपने घर में क्यों नहीं करते आप? बाहर निकलते तभी करना पड़ता है आपको ये सब काम। स्वच्छ अभियान कौन है पहले नाम तो बता। जैसे लोग हैं जो ऐसी गंदगी फैलाते हैं पूरे समाज में, आप लोगों के चलते सब कुछ बदनाम हो जाते हैं लोग। ये किसका बेड़ा उठा के घूम रहा है पहले ये तो बता दे। मूवी हॉल का बेड़ा उठा करके घूम रहा हूँ भाई। अपने घर में बनाई हो किसी को यहाँ मत बना, कार्टून फोनों की। हेलो जी नमस्कार, हम सरकार की ऑफिस से बोल रहे हैं, मोदी जी के ऑफिस से। आप कल किसी मूवी हॉल में गए थे पिक्चर देखने के लिए? क्या मतलब ये मोदी जी की सरकार से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मोदी जी की ऑफिस के एक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और अभी जो है आपके नाम पर कंप्लेन आई थी मूवी हॉल से, इसलिए आपको कॉल किया है। ये तो बता देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। देखिए सर बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए चुप रहिए सुनिए। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। ये तो पूछ रहा हूँ मैं। तैयारी के साथ आज मैदान में आया, सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया। वो समाज सेवक? हाँ जी बताइए। ऐसा है समाज सेवक बंद कर, मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, उनको फॉलो करता हूँ, बट तू अपना ये क्या पंती चल रही है, क्या है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की आवाज चल रही है देखिए बैकग्राउंड में। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। क्या करके आए हैं आप वहाँ पर? मूवी देखने गए थे? देखने गए थे मतलब कुछ लिया मूवी देखने से, ये बता। आप वहाँ जो करके आए उस कारण आज सर को बोलना पड़ रहा है। तैयारी के साथ आज मैदान में आया, सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया। अगलेट आदमी एक चीज बार बार बजाने से क्या होगा? हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। जन आंदोलन बनाएंगे हम आपके अगेंस्ट में। भांग घूट के बैठा है क्या? कहाँ से बोल रहा पहले ये बता। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। सर आपको बोल रहे तब से। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। याद करने की कोशिश कीजिए कल क्या हुआ। कल कुछ नहीं हुआ, कल बस ऐश हुए थे और कुछ नहीं हुआ। ऐश हुआ कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। मतलब कुछ और सुनना चाह रहा है, मतलब क्या है सीन, क्या तरह ये बता दे। तैयारी के साथ आज मैदान में आया,
सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। फेसबुक ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। भाई कहाँ है तो कौन से जहाज पे है? मैंने बताया तो हम सरकार के ऑफिस से बोल रहे हैं, और आपने कल जो मूवी हॉल के अंदर में काम किया उसके लिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। अब आप याद करने की कोशिश कर लो आपने मूवी हॉल में क्या किया है। कर रहा तो आगे भी तो बकबक करेगा, मेरे को क्या सपना आया कि मैं ये सोचूं अभी ये करके आऊं मैं वो करके आऊं। सुबह में हंके भी आया था, वो भी बताऊं तेरे को? सुनिए जरा ध्यान से, पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास 2019 तक समय है। 2019 तक का समय हमारे पास में क्यों है बताइए? क्या सीन है तेरा, मेरे को क्लियर बता। लड़की के साथ में गए थे। पहला आदमी देखा लड़की के साथ? पहला आदमी देखा जो लड़की के साथ में जाता है और उसके बाद में इतनी गंदगी फैलाता है। कौन सी गंदगी देख रही तूने? आपने पूरे फ्लोर में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब कुछ गिरा दिया। यार लोग वहाँ पे बैठते हैं कि तेरी नजर के मेरे पे बड़ी बैठी थी और भी फैले हुए तो उनके उठा लेता। जी नजर आप पर इसलिए पड़ी क्योंकि आपके बगल वाले ने आपसे कहा था, आपके दोस्त ही थे जो आपके साथ में गए थे, उन्होंने कहा था, आपने कहा अरे छोड़ना यार पैसे दिए हैं गिरा ही सकते हैं, ऐसा कहा था ना आपने अपने दोस्त को? हाँ। तो आपको बता दूं सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूं, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार तुम नहीं कर देते पहले चीज भाषण सुना रहे हो यहाँ पे फट के चार हो गई साले क्या कर रहे हैं अब। और आपको जरा से भी शर्म है कि आपने जो किया और जो कहा कल वो गलत था? क्या बोलूं अब मैं, बी केयरफुल रहेंगे, चिंता मत करें, मैं पहले देख के बैठूंगा आसपास की कोई सारा कैमरा लेके आके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो, हेल्प कर देगी दीदी मेरी? दीदी कौन बात कर रहा है? दीदी मेरा नाम पीयूष है। पीयूष आप रो क्यों रहे हो और कौन हो आप ये बताइए? दीदी मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। दीदी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आप रोना बंद कीजिए, एक मिनट आप रोना बंद। दीदी मुझे शादी नहीं करनी है दीदी। दीदी मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बोलते कि नहीं हम शादी कर देंगे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं पापा आप थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, मेरी शादी मत करेगी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलते तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करा, आप बस दो मिनट लगेंगे पापा से खाली बात कर लो। आप बोल दो पापा को कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो तो पापा मेरी शादी कहीं नहीं कराएंगे, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बड़ा आदमी बनूंगा ना दीदी, तो आपसे जरूर मिलूंगा, आपका नंबर तो है मेरे पास। एक मिनट दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, जिंदगी बराबर ही रहूंगा। एक मिनट, हाँ मैं फोन दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा पापा, ये लीजिए पापा फोन। हाँ हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते कर रही हो कोलाछिनी लड़की, तुम ही हमरे लौंडे को फांसी हो। एक मिनट अंकल, एक मिनट आप बात सुनिए। क्या बात सुने? पैसा देख के प्यार मोहब्बत का बात करती हो, हमरा बेटा का दो दो शादी तलाक हो गया, बताओ कितने साल से तुम्हारे साथ है? अंकल हम कितने भी साल से साथ में हैं ये मेरा पर्सनल मामला है, पर उसने मुझे बताया कि उसकी दो दो शादियां हो गई। बहुत बढ़िया, सब बेवकूफ बनाने निकल पड़ा है, हम जानते हैं तुमको सब पता है, तुम ही बरगला के बैला फुसला के हमारे बिटवा को बेवकूफ बना रही हो। मुझसे ऐसे बात ना करें आप, ऐसे बात मुझसे नहीं कर सकती, ये बदतमीजी आप अपनी बेटी। अरे उल्टा कलमुही करमजली मुझौसी लड़की, तुम जैसा लड़की लोग आके हम जैसे मासूम लोग का जमीन जायदाद सवाड़प लेता है। तू पागल, तेरा बेटा पागल, पूरा खानदान पागल, मेरी बात कर आपने। ससुर का नाती हम लिख के दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पे, हमारा लास्ट पर से तुम्हारा डोली और हमने रंडे के बारात जाएगा अगर कोई आया तो। मुझसे बात कर रही पागल लड़के से, चूतिया बहन से मेरी बात कराइए। हेलो कुत्ते साले, Hello? क्या कहा मादर, तेरी वजह से तेरे बाप ने मुझे गुलाब उल्टा क्या। बहुत बहुत प्यारी लगती है जब तुम बोलती हो ना, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको। फोन रख, तू फोन रख, तेरी वजह से उसने मुझे गाली दी है। किसने किसने बेबी? तेरे बाप ने, तेरे खूसट बाप ने, सब गवार उठ के चुप रहा था। तेरे बाप को जाके पूछ क्या बोलता है वो लड़कियों को। Too much. हेलो, हाँ जी, किसी का खून इस तरह से जलाकर आप हंस नहीं सकते, कौन बात कर रहा है? जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका बनाया जा रहा था रेड मुर्गा ऑफ द डे। हे भगवान, ओ प्रवीण क्या किया तुमने, किसने दिया मेरा नंबर यार? तुम्हारे दोस्त रोशन ने नंबर दिया था हमें। प्रवीण यार कितनी जान ले लूंगी मैं तुम्हारा सिर पे, दीदी बोला था, मुझे इरिटेशन होने लगी है दीदी वर्ड से। ओह मतलब तुम इंटरेस्टेड हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।